तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका छोटा भाई भी बिल्कुल ठीक है। अभी सुबह के बजे है 6 और 6 बजे मैं निकल गया हूँ काम के लिए। और अभी देख सकते हैं वेदर कितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन सूर्य अभी बिल्कुल देख सकते हैं लालिमा की जैसा दिख रही है। सो गाइस, किधर दिख रहा है, किधर दिख रहा है, वो देखिए उधर दिख रहा है। बिल्कुल अभी उतनी परछाई नहीं आया है, फिर कुहासा ही कुहासा है। सो गाइस, अभी देख सकते हैं हमारे गांव में कि अभी धान काटना शुरू हो गया है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो देख सकते हैं लोग अपने अपने खेतों में धान काटना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि धान लोग लगा रहे थे। सो मैं अभी इसी खेत के रास्ते से जा रहा हूँ और मैं अभी मंदिर की ओर जाऊँगा और मंदिर पर काम करूँगा। सो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस कार्तिक पूर्णिमा पर आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा भव्य गंगा आरती फिर से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको इस बार भजन संध्या का भी आनंद देखने को मिलेगा, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। सो अगर आप हमारे जिले वासी हैं तो बिल्कुल ही आएं और इस कार्यक्रम पे शामिल हों, बिल्कुल ही अच्छा लगेगा, काफ़ी आनंददायक होगा। और जो सबसे पहले रजरप्पा मंदिर पे गंगा आरती का कार्यक्रम किए थे, उन्हीं के माध्यम से फिर दोबारा गंगा आरती किया जा रहा है। काफ़ी आनंद होता है और उनके वो जब वो कराते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को देखने में भी, क्योंकि उसमें भजन वगैरह भी रहता है तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और शामिल होते हैं। और गंगा आरती भी देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा फाइनली दोस्तों। सो गाइस, अगर आप हैं हमारे जिले वासी तो ज़रूर ही 27 तारीख को शाम के 4 बजे माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर पहुंच जाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं ये विश्वास दिलाऊंगा। और मैं हम ब्लॉग तो डालूंगा ही अभी जाने के बाद कि कितना कुछ तैयारी की जा रही है और क्या क्या और कौन कौन से सिंगर आएंगे, ये सारा कुछ अपडेट मैं दे दूंगा अपने ही चैनल पर। सो गाइस, अभी मैं धीरे धीरे NH 33 की ओर बढ़ रहा हूँ। अपने घर से अभी मैं जस्ट ही निकला हूँ, शायद मैं ब्रश वगैरह भी नहीं किया, वो सब जाकर मैं वहीं पे कर लूँगा और स्नान भी करूँगा। सो गाइस, देख सकते हैं अभी सुबह सुबह यहाँ पर इतने सारी चिड़ियाँ दाना चुगने के लिए आ चुकी है, देख सकते काफ़ी उड़ रहे हैं। और धान काटना भी अभी शुरू हो गया है, लोग अपने अपने खेतों से धान को उठाने लगे हैं ताकि फसल बर्बाद ना हो, क्योंकि इसके बाद मौसम थोड़ी अटपटा सा हो जाती है, कुहासा ज़्यादा गिरने लगते हैं या फिर अचानक वर्षा हो जाती है, जिसके वजह से धान को भी काफ़ी नुकसान होता है। और इसी की वजह से लोग पहले से, वैसे भी अभी सीज़न ही आ गया है धान काटने का, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लोग धान काट रहे हैं। अभी यहाँ से मैं काफ़ी सामने आ गया हूँ NH 23 का। अगर मुझे मिल जाती है ऑटो तो मैं सीधे बैठ के चला जाऊंगा, नहीं तो दोस्तों एक बार चाय के चुस्की मैं ज़रूर ले लूँगा हो जाकर होटल पर, उसके बाद से फिर मैं मंदिर के लिए निकलूँगा। सो गाइस, अभी का ब्लॉग पर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। अगर आप उस दिन आते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आप सबों से मिलूँगा।